नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए अप्सरा साधना लेकर के आया हूँ, जिसको करने से आपके सभी प्रकार के मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, यह साधना अपने आप में अलौकिक है तथा दिव्य है। इस साधना को आप आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, अप्सराएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील और बहुत ही समझदार होती हैं, अर्थात ये साक्षात देवी का स्वरूप भी होती है दोस्तों। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अप्सरा साधना जब भी करिएगा, गलत मन से मत करिएगा। यह साधना दोस्तों बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही दिव्य है। दोस्तों, यह साधना एक दिन की है। जी हाँ दोस्तों, यह साधना एक दिन की है। अगर दोस्तों आज के दिन, दीपावली के इस दिन आप इसे सिद्ध कर लेते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही दोस्तों यह अप्सरा आपकी सहायक शक्ति बनेगी और आपको हर प्रकार से सहायता करेगी और आपकी मनोकामना को पूरा करेगी। आपको तीनों कालों की बातें बताएगी और धन ऐश्वर्य तथा अनेक प्रकार का ज्ञान देगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ इस अप्सरा के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की तांत्रिक साधनाएं, सोना बनाने की विद्या के बारे में जानकारी तथा कई प्रकार की रहस्यमय जानकारियां लाता रहता हूं। और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं इस एक दिन की साधना के बारे में। दोस्तों, यह साधना एक दिन की साधना है, जिससे कि आपको एहसास हो जाए कि अप्सरा होती है। दोस्तों, यह अप्सरा प्रत्यक्ष रूप में तथा अप्रत्यक्ष रूप में दोनों तरह से सिद्ध होती है। दोस्तों, इस अप्सरा को अगर आप सच्चे दिल से और अच्छे मन से साधना करते हैं तो दोस्तों यह अप्सरा आपके सामने साक्षात दर्शन देगी और आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी। और दोस्तों, आपको इस अप्सरा से वचन लेने हैं तीन तरह के, जो कि वचन इस प्रकार से हैं कि हे देवी, मैं आपको जब भी बुलाऊं आपको आना होगा और मुझे और मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, और आपको मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करनी है और मुझसे बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना है। इस प्रकार से तीन वचन उससे ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आप जो है, जब भी आपको आवश्यकता हो आप अप्सरा को बुला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ एक दिन की इस अप्सरा साधना के बारे में, इसकी पूरी की पूरी विधि ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस अप्सरा का नाम है केतकी। तो दोस्तों मंत्र है इस अप्सरा का, ओम ह्रीम 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 मनोकामनी केतकी अप्सराय अगच्छ अगच्छ स्वाहा। दोस्तों मंत्र दोबारा सुन लीजिए, ओम ह्रीम 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 मनोकामना केतकी अप्सराय अगच्छ अगच्छ स्वाहा। दोस्तों यह मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप करिए। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन दीपावली के दिन रात को 8 बजे से 12 बजे के बीच में आपको लगातार इस मंत्र का जाप जो है दोस्तों 2 घंटा करना है। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 घंटा इस मंत्र का जाप करना है लगातार। और दोस्तों आपको लाल वस्त्र पहनने हैं और लाल आसन बिछाना है तथा गुलाब का इत्र अपने पास रखना है। इस साधना को एकांत कमरे में करना है और आपको सुनसान जगह में इस साधना को नहीं करना है। आपको अपने घर में ही इस साधना को एकांत कमरे में करना है, तभी आपके लिए यह चीज़ें बहुत जल्दी फलदायी होगी, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों आपको लाल आसन बिछाना है, उस पर बैठ करके आपको साधना करनी है। वहाँ पर धूप दीप मिठाई आदि लेकर के साधना करिए दोस्तों, और आप देखेंगे कि 2-3 घंटे बाद आपके समक्ष अप्सरा प्रकट हो जाएगी। अगर प्रकट ना हो तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपको यह अप्सरा आपको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई है। लेकिन सिद्ध तो हुई है, लेकिन वो आपके सामने आना नहीं चाहती है। तो दोस्तों ये थी साधना अप्सरा की, जो बहुत ही दिव्य थी। आप इस साधना को करिए, निश्चित ही दोस्तों आपको दुनिया की हर खुशी मिलेगी, सोना चांदी हर चीज़ जो आप सोच नहीं सकते। धन्यवाद दोस्तों।